नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑप्शन भारत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं हमारे चैनल पर और हमारे चैनल की अपार सफलता के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग नित्य प्रतिदिन इस स्थल से आप लोगों को नए नए योगा अभ्यास के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को दैनिक जीवन में बहुत ही तरह का फ़ायदा महसूस होता ही होगा। और देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा हमारे स्वामी जी की तरफ, जो योगाचार्य हैं हमारे बाबा सोमदेव। तो आज बहुत ही अच्छे योग के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं हमारे बाबा जी। तो नमस्ते, आभार, आप सभी को सुप्रभात। मैं नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास इसी सुंदर पहाड़ियों के स्थल पर बैठ करके नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, कराते हैं लोगों को। तो आज प्राणायाम की कड़ी चल रही है अभी, तो एक प्राणायाम में आपको आज अग्निसार क्रिया के बारे में बताते हैं। अग्निसार क्रिया कैसे किया जाए और उसका लाभ क्या है। तो अग्निसार क्रिया करने से पहले हम कपालभाति ज्यादा लंबे समय तक करते हैं तो हमारा पेट की जो चर्बी है ना, वो पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। देखिए पेट की चर्बी कैसे, किसी किसी का पेट तो इतना बड़ा होता है, वो पेट कैसा रहना चाहिए। पुरुषों का पेट बिल्कुल सीना उभरा हुआ, ऊपर उठा हुआ, पेट भीतर। एक माला यदि किसी कोई पहना दे तो माला लटकना चाहिए, और आजकल क्या है, तो माला पेट पर ऐसे हो जाता है, तो वैसा पेट हमें नहीं रखना है। हमें देखिए ये कमर, पुरुषों का कमर ऐसा रहना चाहिए, पेट ये पकड़ा जाए, ये पुरुषों का पेट है, कमर है, इस तरह से रहना चाहिए। तो आइए हम आपको जो मूल विषय है उसके आज प्राणायाम के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है अग्निसार प्राणायाम। इसमें हमने सांस को बाहर छोड़ा, रोक दिया और पेट को आकुंचन प्रसारण करेंगे। लंबे गहरे सांस भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसको दो तीन बार, चार बार, पांच बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। बवासीर, बगंदर, फिसर पर चूल्हा से लेकर के आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी सब मिट जाएंगे। बंधुओं नित प्रति प्राणायाम करें योग, रहें निरोग। आभार, धन्यवाद।